हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में हम होटल बुकिंग सिस्टम के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर के करते हुए। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज में हम केवल बेसिक इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। आप अगर इसका एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, जिसमें इसकी पूरी बैकएंड कोडिंग और डेटाबेस डिजाइन सिखाई गई है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट projectworld.ge पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इसके सारे एडवांस ट्यूटोरियल अवेलेबल होंगे जो इस वेबसाइट पर अपलोड होंगे। तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके एडवांस ट्यूटोरियल देखकर एडवांस लेवल पर कोडिंग सीख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसमें आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए हम आगे हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पूरा इसका होम पेज की टेम्पलेट हमने रेडी कर ली थी, जिसमें इसका होम पेज हम बना चुके हैं। अब हम इसके एडमिन की टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारी जो एडमिन टेम्पलेट होगी वो किस तरह से होगी। तो हमारे एडमिन टेम्पलेट का लॉगिन होगा। देन यहाँ पर लॉगिन के बाद हम लिखते हैं पासवर्ड देंगे, देन लॉग सबमिट करेंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम इस तरह से पासवर्ड देकर लॉगिन करना सेक्शन की कोडिंग नहीं करेंगे, हम केवल स्टैटिक रखेंगे, केवल एक टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। देन इसके एडवांस ट्यूटोरियल में हम इसकी बैकएंड कोडिंग करेंगे। तो ये इसका एडमिन है। देन इस तरह से इमेज शो हो रही है, देन यहाँ पर शो हो रहा है एडमिन। देन इस तरह से डीयू बना है और ये कॉपीराइट लिखा है। देन ये होम में यहाँ पर हमने आइकॉन दिए हैं, फॉन्ट ऑसम आइकॉन है, हम आइकॉन लगाना सीखेंगे। देन इसके बाद हम जब रूम्स मैनेज में जाते हैं तो यहाँ पर रूम मैनेज है। देन यहाँ पर आप देखिए होम रेस्टोरेंट का टैब, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, केवल टैब चल रहे हैं। तो आपको ये टैब किस तरह से बनाया जाता है, आपको टैब बनाना भी इसी ट्यूटोरियल में सिखाया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर बुकिंग से ये यहाँ पर सारे टैब अवेलेबल है। देन जब हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप, अगर आपको रूममेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप मिलेगा। पॉपअप के थ्रू यहाँ पर रूममेट कर सकते हैं सभी में इस तरह सेक्शन। अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, देन इसके बाद अगर यहाँ जाते हैं तो ये देखिए पॉपअप आ रहा है। देन इसके बाद होम पर कॉन्टेक्ट पेज है, उसका यहाँ पर हमने एक टेबलेट बनाई है। देन उसके बाद हमने लॉग इन लॉगआउट का ऑप्शन है, इससे यूजर लॉगआउट कर जाएगा। देन फिर लॉग इन यहाँ से कर सकता है, सबमिट। तो ये लॉगिन हो चुका। बाद में लॉगिन करते हैं। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो मैं एक न्यू कंट्रोलर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कंट्रोल नेम। देन इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ एडमिन डॉट पी एच पी। देन यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा एडमिन एक्सटेंड सी आई कंट्रोलर। देन यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। देन यहाँ लिखेंगे पेरेंट कंस्ट्रक्ट सेव। देन इसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। देन यहाँ पर हम एको करेंगे टेस्टिंग, देन सेव। और हम यहाँ पर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में और हम यहाँ लिखते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश एडमिन। हम जब लिखते हैं तो हमारा एडमिन कंट्रोलर कॉल होगा, देन इंटर। तो ये हमारा इसे एडमिन कंट्रोलर नहीं मिला, तो चेक करते हैं क्यों हुआ। हमारा है एच में देन ट्यूटोरियल्स के अंदर एडमिन नाम को हमारा कंट्रोल हमने गलती से हमने व्यू में से स्टोर कर दिया है। तो हम इसे यहाँ पर शो करते हैं, लिखेंगे इसे हम सेव करते हैं कंट्रोलर्स में। तो यहाँ पर हम इसे सेव करते हैं, देन व्यू के अंदर जो फाइल है हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं व्यू में और फाइल को हम कर देते हैं डिलीट। देन यहाँ सब उसे रिलोड करते हैं। तो ये देखिए हमारा कंट्रोलर अवेलेबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
इसका लॉगिन पेज बनाना है, तो मैं ओपन करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट, देन यहाँ पर मैंने इसे बना रखा है, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ, लिखता हूँ मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश एडमिन, एंड एंटर। तो ये आ चुका है लॉगिन पेज, तो हमें इस तरह से एक लॉगिन पेज बनाना है। तो इसके लिए मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ, तो मैं करता हूँ कंट्रोल एन, देन हम सेव करते हैं, देन चलते हैं व्यू में, यहाँ करते हैं व्यू, देन यहाँ पर मैं फोल्डर बनाता हूँ जिसमें एडमिन के सही चीज रखेंगे, एडमिन, देन यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग इन डॉट पी एच पी फाइल बनाते हैं, देन इसमें टेस्ट लिख देते हैं, फिलहाल तो इसे टेस्ट 1 2 3 लिख देते हैं, क्योंकि हम टेस्ट ऑफ टेस्ट 1 2 3 देन सेव, देन हम चलते हैं एडमिन कंट्रोलर को, यहाँ पर से लोड कराते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डॉलर दिस लोड व्यू एडमिन स्लैश लॉग इन डॉट की फाइल है, तो इसे सेव करते हैं, देन ये वर्क नहीं करा, ठीक है एडमिन इंटर भी आ चुका है, आ गया है हमारा व्यू लोड हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ कुछ और लिख दूँ, देन यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए वो कोड आ रहा है, तो ये हमारा बन चुका है। देन इसके बाद हमें इसका पूरा होम पेज डिजाइन करना है, तो इसके लिए मैं हमारा जो येलो होम पेज है हम इसी का कोड हम सिटीज यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, और इसमें हम अदर कोड को रिमूव करेंगे, तो हेडर को छोड़ के हम सारा कोड हटा देते हैं, हेडर और फुटर को छोड़ के, तो हमारे इसमें से सबसे पहले हम इस कंटेनर से स्टार्ट करते हैं, तो ये कंटेनर रिमूव होगा, देन इसके बाद ये भी कंटेनर रिमूव होगा, देन ये भी रिमूव होगा, एंड ये भी हम रिमूव करते हैं, यहाँ तक हमारा पूरा कोड रिमूव होगा। देन यहाँ पर हम एक डीओ बनाएंगे, तो इसको हम दे देते हैं क्लास कंटेनर, और यहाँ दे देते हैं H3 टैग में एडमिन लॉगिन, देन सेव, और इसे हम रिलोड करेंगे, तो इसने बोल दिया है कि बेस यूआरएल नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पर आते हैं एडमिन कंट्रोलर में, यहाँ पर हम हेल्पर को लोड करेंगे, तो हम लिखेंगे डॉलर दिस लोड हेल्पर, अगर देन लिखेंगे यूआरएल एंड सेव देन रिलोड। तो ये हमारा एडमिन लॉगिन हो चुका है, देन ये मेन्यू आ चुके हैं। अगर आपने इसकी प्रीवियस सीरीज नहीं देखी जिसमें मैंने आपको ये पूरी टेम्पलेट बनाना सिखाई, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि बेस यूआरएल हमने क्यों यूज़ किया, देन हमने यूआरएल हेल्पर क्यों यूज़ किया, और ये टेम्पलेट हमने किस तरह से डिज़ाइन करी है, और ये मेन्यू हमने किस तरह से बनाए हैं। तो सबसे आते हैं हमारे लॉगिन पर, और यहाँ से हम इन्हें भी हटा देते हैं, देन सेव, देन लिख देते हैं अलाइन सेंटर, और हम देखते हैं हमारा जो लेआउट है वो किस तरह का होना चाहिए, तो इस तरह का होना चाहिए, तो हम यहाँ पर बी आर टैग लगाते हैं, देन देते हैं हम बी आर टैग देन यहाँ पर हम कुछ भी बनाते हैं, एकदम डी यू हम क्लास दे देंगे, लिखते हैं कॉल ऐसे हमारे को, देन मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है हम इसे पेस्ट करेंगे, और जो हमारा सेंटर वाला जो है इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं ड्यू क्रिएट करता हूँ, ड्यू, देन इसको हम क्लास देंगे फॉर्म, फॉर्म ग्रुप, देन इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, देन यहाँ पर एक लेबल देता हूँ, लेबल देते हैं पर एंटर यूजर नेम, देन यहाँ पर हम दे दें इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूएन, देन प्लेस होल्डर एंटर यूजर नेम, और यहाँ पर हम क्लास सेट करते हैं फॉर्म कंट्रोल। अगर आप ये नहीं जानते कि फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल क्या होते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिसमें ये बताया गया है कि दोनों बुद्धिस्टिक क्लास है उनका वर्क क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख सकते हैं।
देन यहाँ पर से पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं पासवर्ड पासवर्ड, देन यहाँ कर देंगे PS और यहाँ लिख देते हैं पासवर्ड। देन इसके बाद हमें एक बटन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आते हैं और मैं एक और ड्यू क्रिएट करता हूँ, ड्यू फॉर्म गलती हुई, मैं लिखे क्लास, देन यहाँ लिखते हैं फॉर्म ग्रुप ग्रुप, देन यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट टाइप सबमिट, इसका नेम देंगे सब, देन इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लॉग इन, देन यहाँ पर हम क्लास सेट करेंगे बूट टेस्ट की BTN BTN आइकन प्राइमरी, देन इसे हम रिलोड करते हैं चलते हैं, देन रिलोड करते हैं तो इस तरह आ रहा है। यहाँ पर कुछ बायोटेक को रिमूव करते हैं, देन आफ्टर हम पेस्ट करेंगे एंड ये देखिए इस तरह से आ रहा है। वो अग्री कर रहा है, तो इसे यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर से पेस्ट करते हैं, देन ये डिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ पर कॉपी डाल चुका है, देन फॉर्म आ चुका है। तो अभी हम इसके डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, हम केवल एक स्टैटिक टेम्पलेट बना रहे हैं, तो हम इसके आगे इसकी HTML टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है, देन इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे यहाँ लिखते हैं एडमिन, यहाँ लिखेंगे हम एडमिन और ये 2 3 लिख के सबमिट करते हैं, तो ये डैशबोर्ड पाता है, तो हमें एक डैशबोर्ड पर बनाना है, तो इसके लिए हम एक नया कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं कॉपी करता हूँ, देन एक नया कंट्रोल, तो मैं कंट्रोलर है, देन इसे हम सेव करते हैं कंट्रोलर में, देन इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं और ये देखो वेलकम एडमिन डॉट PHP, देन यहाँ पर और यहाँ पर हम क्लास भी क्रिएट करेंगे वेलकम एडमिन, जिसमें हम पूरा एडमिन मैनेज होगा हमारा, इसलिए हम पूरे कंट्रोलर बना रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं एक्सटेंड्स CI कंट्रोलर, देन चुका है, देन इसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, देन यहाँ लिखते हैं हम पेरेंट, देन यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, देन ये हमारा बन चुका है। देन इसके हमें एक मेथड बनाना था, हमें लिखते हैं पब्लिक फंक्शन, हमारे फंक्शन का जो नाम है हम चेक करते हैं क्या है हमारे फंक्शन का नाम, तो हमारे फंक्शन का नाम है डैशबोर्ड, तो हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मली रन करके चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ इस स्टेटमेंट को और हमारे इस URL पर हम इसे हिट करते हैं, पेस्ट किया, ये देखिए डैशबोर्ड रन हो चुका है। तो अब हमें हम लॉग इन फॉर्म को रिडायरेक्ट करना है इस पर, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब इस बटन पर क्लिक हो तो हम डैशबोर्ड रिडायरेक्ट हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे हमारे लॉग इन पेज पर और यहाँ पर हम इसे एक फॉर्म में कवर करेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ मैं CI का फंक्शन है फॉर्म अंडरस्कोर ओपन, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये इस तरह से रिडायरेक्ट होगा, देन इसे करते हैं, देन इसे हम रिलोड करते हैं, तो अभी शायद एरर आएगी, देखिए फॉर्म आ चुकी है एरर, तो हम इसे यहाँ पर जाते हैं और इसे हम एरे में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह से लगाने पर एरे बन जाएगा, देन यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म देन सेव, रिलोड करने पर ये एरर खत्म हो गई, इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, ये यहाँ से हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो अब इस हम डैशबोर्ड पे इस एडमिन की पूरी बैकएंड कोडिंग करेंगे हमारे आने वाली वीडियो में, तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली आपको मिलती रहे, और अगर आप इसके एडवांस ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट projectworld.ca पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो आपको वहाँ पर इसके एडवांस ट्यूटोरियल अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।